स्ट्रीट का खाना खाना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के एनवायरनमेंट और हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी स्ट्रीट का खाना अच्छा नहीं है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव की रेसिपी, वो भी बहुत आसानी से हमारे घर के इंग्रेडिएंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक तवा ली हूँ। तवा के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम होते ही इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और जीरा को थोड़ा देर के लिए भून लेंगे। जैसे ही जीरा थोड़ा सा भून जाए, उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ हरी मिर्च, साथ ही डाल देंगे कटा हुआ प्याज। तो मैं यहाँ पे 1 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से बारीक काट के ले ली हूँ। अब इस प्याज को थोड़ा देर के लिए भून लेंगे। प्याज को थोड़ा देर के लिए सॉफ्ट करके भून लेना है, बहुत ज़्यादा हमें इसके पकाना नहीं है। प्याज जब थोड़ा सा भून जाए, तब हम लोग इसमें डाल देंगे कटा हुआ शिमला मिर्च। तो ये देखिए प्याज थोड़ा सा भून गया है, अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। मैं यहाँ पे 2 शिमला मिर्च को इस तरह से बारीक काट के ले ली हूँ। शिमला मिर्च को भी प्याज के साथ थोड़ा सा पका लेना है। तो इस तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक शिमला मिर्च को भून लेंगे। जैसे ही शिमला मिर्च भून जाए, तब इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से बारीक काट के ले ली हूँ। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने से टमाटर थोड़ा जल्दी पक जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। अब हम लोग इसको कवर करेंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 2-3 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारा टमाटर जो है पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च अच्छे से पक गए हैं। अब हम लोग इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च डालें, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। फिर इसमें डाल देंगे 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है, तो आप इसमें किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। मसालों को थोड़ा देर के लिए इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। जैसे ही मसाला थोड़ा सा भून जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब इसमें डाल देंगे उबला हुआ आलू। तो मैं यहाँ पे 2 आलू को इस तरह से उबाल के बारीक से इस तरह से काट के डाल रही हूँ। आलू को डाल लेने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मसालों के साथ आलू को 5 मिनट के लिए भून लेंगे। मसालों के साथ आलू को अच्छे से भून लेने के बाद इस तरह से थोड़ा सा इसमें जगह बनाएंगे, इस तरह से बीच में जगह बनाएंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच तेल। फिर इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ पे अदरक लहसुन को प्याज के साथ भूनना भूल गई थी, इसीलिए मैं अभी इसको भून ले रही हूँ। आप प्याज के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल के भून सकते हैं। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा भून जाए, इसका कच्चा टेस्ट निकल जाए, तब हम लोग आलू के साथ इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे। तो ये देखिए हम लोग का अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून गया है। अब आलू के साथ मिला के 1 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही आलू और मसाला अच्छे से भून जाएगा, तब हम लोग इसमें डाल देंगे पका हुआ चावल। तो मैं यहाँ पे बासमती राइस को उबाल के रखी थी पहले से, इसमें डाल देंगे करीबन 2 से 3 कप चावल इसमें डाल देंगे। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से देख के डालें। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको बचे हुए चावल में भी बना सकते हैं और अपने पसंद का कोई भी वेजीज में डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आलू और शिमला मिर्च डाली हूँ, आप चाहे तो इसमें मटर, गाजर कुछ भी डाल सकते हैं अपने पसंद का। तो ये देखिए मैं अच्छे से मसालों के साथ चावल को मिक्स कर ली हूँ। 1 से 2 मिनट पका लेने के बाद लास्ट में इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो मैं यहाँ पे 1 नींबू का रस को इस तरह से डाल दी। ध्यान रहे नींबू का रस डालने से पहले गैस को ऑफ कर दें, नहीं तो ये कड़वा हो सकता है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा रेडी हो गया तवा पुलाव बनके। तो आपने देखा मैं कितना आसान तरीके से इस तवा पुलाव की रेसिपी को तैयार की। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम लोग इसको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट ले ली हूँ, इसमें इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करने के बाद अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्व कर लेने के बाद इसके साथ रख देंगे कटा हुआ प्याज। साथ ही मैं यहाँ पे रख रही हूँ पापड़।
फिर इसमें रख देंगे कटा हुआ नींबू। आप चाहे तो इसको रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं।